अध्याय छह देख रहे हैं, किसान और काश्तकार। किसान और काश्तकार के सवाल और जवाब देखेंगे। सबसे पहला है कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की ग्रामीण जनता खुले खेत की व्यवस्था यानी कि कॉमन्स, इसकी व्यवस्था को किस दृष्टि से देखती थी। संक्षेप में व्याख्या करें और इस अवस्था को एक संपन्न किसान, एक मजदूर और एक खेतीहर स्त्री की दृष्टि से देखने का प्रयास करें, या उनकी दृष्टि से आपको उत्तर देना है। तो अगर एक संपन्न किसान के हिसाब से देखिए तो जब 16वीं शताब्दी में ऊन की कीमतें बढ़ी, ये मेन कारण था। शुरुआती कीमतें बढ़ी तो संपन्न किसान ने जो साझा जमीन है, साझा भूमि है, जो सबके लिए कॉमन थी, उसकी सबसे अच्छी चारागाहों की निजी पशुओं के लिए अपनी बाड़ाबंदी प्रारंभ कर दी। यानी कि वो इलाका जहां पर उन्हें सबसे बढ़िया इलाका लगता था, वहां पर बाड़ाबंदी उन्होंने कर दी। और ये वो चाहते थे कि उनकी भेड़ों को अच्छा चारा मिले ताकि वो अच्छा ऊन पैदा करें। उन्होंने गरीब लोगों को भी बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया और उन्हें साझा जमीन या भूमि पर उनके पशु चराने से बिल्कुल मना कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद 18वीं शताब्दी के मध्य में ये जो बाड़ाबंदी इन्होंने की, इसको बाकायदा कानूनी मान्यता दे दी गई। ब्रिटिश संसद ने 4000 से अधिक अधिनियम पारित किए इस सिलसिले में। एक मजदूर के हिसाब से देखें तो गरीब मजदूर को रहने के लिए, जीवित रहने के लिए साझा भूमि बहुत आवश्यक थी। वो वहां अपनी गायें, भेड़े, जो भी जानवर हैं वो चराते थे और आग जलाने के लिए वो लकड़ियां वहां से, यानी कि जलावन वहां से लेते थे, और खाने के लिए कंदमूल और फल भी वहां से इकट्ठा किया करते थे। और जो नदियां और तालाब कॉमन्स में थी, वहां से वो मछलियां पकड़ते थे और जो छोटे जानवर है जैसे खरगोश वगैरह का शिकार भी करते थे। एक खेतीहर स्त्री के नजरिए से देखा जाए तो खेतीहर स्त्रियों के लिए जो खुला खेत है, कॉमन खेत है, वो सामुदायिक जीवन का बड़ा अच्छा तरीका था। यानी कि जैसे आपस में मिलना जुलना, बात करना, जिससे सब कुछ गरीब और अमीर के बीच साझा होता था, बातचीत होती थी। वे अपने पशुओं को चराने के लिए फल और जलावन, यानी कि जलाने के लिए जो लकड़ियां हैं उसको एकत्र करने के लिए साझा भूमि जो है उसका उपयोग करते थे। अब जो खुले खेत हैं उसके गायब जब हो गए, या ये कहें उनकी बाड़ाबंदी कर दी गई, तो ये सब जो क्रियाएं थी, ये जो काम वो कर रहे थे, इस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव कहें या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब खुला खेत समाप्त हो गया या ये खुली खेत की प्रणाली या कॉमन्स प्रणाली समाप्त हो गई, तो ये बहुत दिक्कत की बात हुई। अगर ये जो शुरुआत हुई उससे वनों के साथ जो लकड़ियां थी या जलावन के लिए जो लकड़ी आराम से मिल पाती थी और जो पशु आराम से चराए जा सकते थे, वो संभव नहीं हो पाए। इसके अलावा खाने पीने का भी बात कर ले तो फल फूल कंद मूल ये सब जो इकट्ठा किया जाता था या छोटे छोटे जानवरों का को शिकार करके मांस उनका खाने के लिए लिया जा सकता था, वो सब भी इन्होंने देखा कि ये खत्म होने लगा है, रिस्ट्रिक्ट होने लगा है। इंग्लैंड में हुई बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या करें तो इंग्लैंड में जो बाड़ाबंदी हुई, बाड़ाबंदी मतलब होता है, ये मान लीजिए आपका घर है और आपने, ये आपका इलाका है, आपने इतना बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले लिया या बाड़ाबंदी कर दी, या ये कॉमन एरिया है सबके लिए, आपने इसको अपने कब्जे में ले लिया या बाड़ाबंदी कर दी, यहाँ पर बाउंड्री लगा दी। तो इंग्लैंड में जो बाड़ाबंदी आंदोलन है उसको प्रोत्साहन देने वाले या प्रोत्साहित करने वाले मेन उनका जो ध्येय था वो ये था, लाभ कमाना, यानी कि प्रॉफिट कमाना। तो कुछ कारक इसमें से देखते हैं। एक तो 16वीं सदी में विश्व के बाजार में ऊन की कीमतें, इसकी जबरदस्त वृद्धि हुई। तो जो अमीर किसान थे उन्होंने सोचा कि जो साझा जमीन है, सबकी कॉमन जमीन है, उसको जरा अपने इलाके में ले लिया जाए कि हम यहाँ पर अपने पशु चराएंगे, यानी कि हम अपने यहाँ पर अपने शीप जो ऊन पैदा करते हैं उनको हम यहाँ पर भेड़ों को चराएंगे। तो इसलिए उन्होंने घेराबंदी कर ली और उसके बाद बाकायदा ब्रिटिश संसद ने 4000 से ऊपर अधिक, उससे ज्यादा अधिनियम पारित करके कानूनी मान्यता भी दे दी इस बाड़ाबंदी को, इस घेराबंदी को। उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि, ये भी एक कारण है। जैसी जनसंख्या बढ़ी 18वीं शताब्दी के मध्य में, तो जनसंख्या के भरण पोषण के लिए क्या हुआ, खाद्यान्न की मांग बढ़ने लगी। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है कल्टीवेशन के लिए गई या खेती के लिए गई, उसके लिए बाड़ाबंदी करने लगे लोग। अब मशीनों का प्रयोग जो हुआ उसको करके किफायती रूप से जुताई आराम से की जा सकती थी, जिसके लिए बड़े जमीन का टुकड़ा चाहिए था, ये भी एक बाड़ाबंदी का कारण बना। और औद्योगिकरण और युद्ध की जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने के लिए
खाद्यान्न जो वहां पर जाना था उसके लिए अनाज उत्पादन अनिवार्य हो गया। अनाज कहाँ हो पाएगा, इस छोटे से इलाके में तो हो नहीं पाएगा, उसके लिए बड़ा सा इलाका चाहिए, उसके लिए काम किया गया। इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेशिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? थ्रेशिंग मशीन ये होता है कि जब एक बार आपकी क्रॉप खड़ी हो जाती है या फिर जो जो भी आपने उगाया है वो खड़ा हो गया, तो उसको जैसे ग्रेन है या वीट है, चावल गेहूं, तो उसको पूरी तरीके से चावल को निकालना वहां से, क्योंकि बहुत मुश्किल प्रोसीजर है ये, तो उसके लिए थ्रेशिंग मशीन बहुत आसानी से काम कर देती थी। तो गरीब किसान इससे क्यों परेशान थे, विरोध कर रहे थे? इसने ये जो थ्रेशिंग मशीन है, फसल की कटाई के समय कामगारों के लिए जो रोजगार का अवसर था वो कम कर दिया थ्रेशिंग मशीन के आने से। इससे पहले मजदूरों मजदूर जो है खेतों में अलग अलग तरीके से काम करते थे और जमींदारों के साथ ही रहते थे, और उसके बाद उनको केवल फसल कटाई के समय ही रखा जाने लगा, और बहुत सारे जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि मशीन जो है वो बहुत सारे लोगों का, करीबन 12 लोगों का काम, 12 से 16 लोगों का काम कर देती थी। इसीलिए क्योंकि उनकी आजीविका छिन रही है, उनको काम पे नहीं रखा जा रहा है, या फिर उनके उनका काम जो है मशीनें कर रही हैं, इसलिए वो इन औद्योगिक मशीनों का विरोध कर रहे थे। कैप्टन स्विंग साहब कौन थे? यह नाम किस बात का प्रतीक था और किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था? तो कैप्टन स्विंग कोई कोई इंसान या कोई ऐसा आदमी नहीं था, ना तो कोई एक बड़ा बड़ा मिथक नेम था, ये नाम था मतलब एक जैसे कहें कि ऐसे किसी ने रख दिया और वो चल पड़ा। ये धमकी भरे जो खत मिल रहे थे, जो जिनके पास थ्रेशिंग मशीन थी या जमींदार थे, क्योंकि वो मजदूरों को काम नहीं दे रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, तो उसके कारण ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज करने के लिए कैप्टन स्विंग के नाम से, या कहें कि लेटर जो मिला इन जमींदारों वगैरह को कि आप ये थ्रेशिंग मशीन को जला दीजिए, खराब कर दीजिए, हटा दीजिए और मजदूरों को काम पे रखिए, इसलिए कैप्टन स्विंग के साथ लोग चले गए इस नाम के साथ। तो कैप्टन स्विंग के नाम से, जैसे मैंने कहा, जमींदारों को चौकन्ना किया जा रहा था, उन्हें ये खतरा सताने लगा था कि कहीं ये हथियारबंद गिरोह रात में उन पे हमला ना बोल दे। तो जमींदारों ने ये जो धमकी भरे खत मिल रहे थे या कैप्टन स्विंग का जो बोलबाला हो रहा था उसको सोच के कि हमारा नुकसान ना हो जाए, उन्होंने मशीनें खुद ही तोड़ ली। अमेरिका पर नए जो अप्रवासी हैं उनके पश्चिमी प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा? अब हुआ यह था कि अगर मैं अमेरिका को कुछ इस तरीके से बनाऊं, तो यहां पर एक छोटी सी पट्टी में जो अप्रवासी है, वाइट्स, गोरे लोग यहां रहते थे, धीरे धीरे वो इस तरफ बढ़े। तो उसी का सवाल पूछा जा रहा है, तो उसका उत्तर ये है कि 18वीं सदी के प्रथम दशक तक जो श्वेत प्रवासी है पश्चिम की ओर पठारों से होते हुए अपलेशियन पठार तक बस चुके थे, मतलब यहां तक आ गए वो, अब यहां पर है इस इलाके तक आ गए वो। तो 1820 से 1895 के बीच में मिसिसिपी घाटी में भी वो चले गए, उन्होंने जंगल को काटा, जलाया और कूड़ उखाड़ कर जमीन की खेती के लिए साफ किया, और जंगल को भी साफ किया, और वहां पर अपने घर बना लिए, लकड़ियों के घर बना लिए। फिर उन्होंने बड़े क्षेत्रों में जंगलों को साफ करके खेतों के जो चारों ओर बाड़ाबंदी कर दी, यानी कि बाउंड्री लगा दी। उन्होंने इस जमीन की जुताई की और इस जमीन पर वो मक्का और गेहूं बोने लगे। 1860 के बाद प्रवासी मिसिसिपी नदी के पार जो स्थित मैदान है वहां पर भी जाने लगे, वहां पर भी पहुंच गए, और बाद के दशकों में यह क्षेत्र अमेरिका का सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र बन गया। इसीलिए इसको उस समय गेहूं की, या कहे ब्रेड बास्केट, यानी गेहूं की रोटी की टोकरी कहा गया। अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के फायदे नुकसान क्या क्या थे? अब फसल काटने वाली जो मशीन है उसके क्या फायदे थे पहले हम देखते हैं। एक तो जमीन के विशाल टुकड़ों की सफाई आराम से हो जाती थी, जमीन को बहुत आसानी से तोड़ दिया जाता था, क्योंकि जमीन बहुत हार्ड थी वहां की, बहुत मतलब सॉलिड थी। घास हटाने के काम में मशीनें आती थी, और कम मानव परिश्रम से, यानी कि जो ह्यूमन लेबर है वो कम लगता था, उस के बावजूद भी थोड़े ही समय में जो भूमि है, जमीन की जुताई आराम से करके उसको कल्टीवेशन के लिए या क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तैयार कर लिया जाता था। अब विद्युत से चलने वाली जो मशीनें हैं उनकी सहायता से जो 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में आराम से 2000 से लेकर 4000 एकड़ भूमि तक फसल पैदा कर सकते थे, केवल 4 आदमी चाहिए। लेकिन नुकसान क्या हुए? नुकसान ये हुए, सबसे बड़ी मार जो है मजदूरों पे पड़ी, मजदूरों की मांग कम हो गई, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, और उसके बाद जो रेतीला तूफान आया 1930 के दशक में, वो भी
रिजल्ट था, प्रतिफल था इन आधुनिक मशीनों की सहायता से, जो बड़े बड़े विशाल स्तर पर जो भूमि की जुताई की गई, उसी उसी का कारण, एक कारण ये भी बना जो आपका काला ब्लिजर्ड जिसे कहते हैं, काला मिट्टी, काली मिट्टी का जो तूफान आया। अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उछाल और बाद में पैदा हुए पर्यावरण संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं? देखिए, अगर हम पेड़ों को काटेंगे हमारा नुकसान है, हम कोई भी ऐसा काम करेंगे, प्रकृति को खराब करेंगे, जानवरों को मारेंगे, हमारा नुकसान है। तो अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र के रोटी की टोकरी, जो पहले कहा जाता था, पूरे विश्व को ये ग्रेन सप्लाई किया करते थे, वीट सप्लाई किया करते थे, पूरा यूरोप इन पे आश्रित था, और उसके बाद ये धूल के कटोरे में तब्दील हो गए। इसकी इसका कारण क्या रहा, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और 1930 के दशक के बाद अमेरिकियों ने भी अनुभव किया कि उन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने ये रोटी की टोकरी बनाया है, उससे क्या क्या नुकसान हुए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग को समझा और आगे भी लोगों को समझाया, यानी कि वे केवल अपने कमर्शियल गेन के लिए, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए भूमि का जो दोहन है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसको एक ये समझ लीजिए चेतावनी के रूप में लिया उन्होंने। कितनी भूमि का प्रयोग खेती के लिए किया जाए, इस पर सरकारी नियंत्रण हुआ और इसके लिए सरकारी नियंत्रण पे बात हुई। अब बात यह है कि अगर आप देखिए, यहाँ पर पेड़ लगे हैं, यहाँ पर घास है, तो ये मिट्टी तो सब बंद ही रहेगी ना इनके कारण, है ना, मिट्टी जाएगी नहीं। लेकिन अगर आंधी आ गई और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये मिट्टी आंधी के साथ चली जाएगी। बड़े 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 खुले खुले मैदान थे। अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए कि भारतीय किसानों पर क्यों दबाव डाल रहे हैं? तो अंग्रेज ये चाहते थे, पहली चीज कि चीन के साथ बेरोक टोक चाय व्यापार जारी रखना चाहते थे वो, क्योंकि इंग्लैंड में चाय बहुत 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 लोकप्रिय हो गई थी, लोगों की जबान पे चढ़ गई थी। लेकिन इंग्लैंड चाइना को क्या दे, अगर वहां से वो चाय ले रहा है तो दे क्या, बदले के लिए उनके पास कोई चीज नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो सिक्के हैं, चांदी के सिक्के देने लगे। लेकिन इससे लोगों ने इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि ये तो आप हमारे खजाने की हानि कर रहे हो। तो इस फिर अब ये भी नहीं दे सकते, पहले तो हमारे पास कुछ था नहीं, अब हम वो देना चाहते हैं चांदी के सिक्के, तो इंग्लैंड वासी इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये बढ़िया चीज है जो हम उपयोग कर सकते हैं, जो चीनी भी बहुत चाहते हैं। चीनी जो चाइनीज हैं वो अफीम को बड़ा पसंद करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए, अफीम ऐसी वस्तु है, इसीलिए अफीम की खेती के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डाल रहे थे अंग्रेज। वो इलाका जो उनके कंट्रोल में था, यानी कि बंगाल, प्लासी के युद्ध के बाद तो बंगाल उन्होंने जीत लिया था, तो उस इलाके में उन्होंने ये काम करना शुरू किया, खेती अफीम की शुरू की। भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति क्यों उदासीन थे, क्यों नहीं चाहते थे कि वो खेती करें अफीम की? उसका पहला ये कारण था कि पहली चीज तो ये है कि ये जो फसल है अफीम की, वो सबसे बढ़िया जमीन पे होती। लेकिन जो सबसे बढ़िया जमीन है उस पे तो किसान दालें उगाया करते थे। अगर अफीम की खेती करेंगे तो दाल नहीं उगा पाएंगे, और दाल जहां उन्होंने उगाई भी, अगर खराब जमीन पे उगाई तो वो उसकी क्रॉप, उसका जो लेवल था या दाल जो निकल के आई, बहुत खराब आई। दूसरा ये है कि बहुत से किसानों के पास अपनी जमीन ही नहीं थी, वो जमींदारों से जमीन लेते थे या पट्टे पर, बटाई पर जमीन लेते थे, और उसके बाद उस जमीन का उनको जबरदस्त लगान देना पड़ता था। और खासतौर पे वो जमीन जो थी, जैसे ये गांव है, उसके आसपास की जमीन होनी चाहिए थी, और ये बड़े दामों पे उनको बढ़ाई पे मिलती थी। एक और कारण था कि अफीम की खेती करना बहुत मुश्किल काम था, बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। एक तो उसके लिए सबसे उपजाऊ जमीन चाहिए और मेहनत भी बहुत लगती थी, और अफीम के पौधे जो है बड़े नाजुक रहते हैं, और बहुत एक छोटा पार्ट है उसका ऊपर का, वहां से अफीम निकलता है, तो वो अगर खराब हो गया तो बहुत जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको लगाने में, जितना पैसा लगा है, मेहनत लगी, सब बेकार हो जाएगा। तो अगर अफीम की खेती का ध्यान नहीं रखा गया तो बाकी, अगर उसका ध्यान रखेंगे तो बाकी, तो बाकी चीज़ का ध्यान रख ही नहीं पाएंगे, तो बाकी वो फसलों पे ध्यान नहीं दे पाते थे। और ये अफीम उगाना उनके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं था, क्योंकि इसके लिए जो उन्हें पैसा मिलता था, ये जो सरकार उनको पैसा दे रही थी, वो बहुत नगण्य था, बहुत कम था, उससे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। तो ये सवाल जवाब हुए किसान और काश्तकार के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।